टाइटल पढ़कर समझ तो आ ही गया होगा कि अब बैकपैकिंग कहाँ के लिए हो रही है। इतनी रील्स देखने के बाद राधा रानी ने हमें अपने दर पे बुला ही लिया, तो बस फिर क्या था, बैकपैक किया और हम चल दिए। अरे अरे अरे, एक सेकंड, छोटे वाला बैग तो रह ही गया, इसको तो ले लो। हाँ, तो अब हम चलते हैं, बाय बाय। और इस टाइम मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या इतनी भीड़ सच में होगी वृंदावन में जितनी रील्स में दिखाई जा रही है। लेकिन वो सब छोड़ के हमने अपनी ट्रेन पकड़ ही ली। ये ट्रेन हमें मथुरा तो नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन हाँ, दिल्ली तक का सफर ये तय करवा सकती थी। ये सफर तो तय कर कर हम पहुँच गए थे दिल्ली, लेकिन असली सफर तो यहाँ से शुरू होने वाला था। ये भीड़ देख कर तो मेरे पसीने ही छूट गए। चैन की सांस मुझे तब आई जब मुझे ये पता चला कि ये भीड़ हमारी ट्रेन में तो नहीं चढ़ने वाली थी। जैसे ही यहाँ से सारी भीड़ सटी, फिर मुझे लग गई बहुत तेज की भूख, तो मैंने सोचा चलो कुछ खा ही लिया जाए। खाना ख़त्म ही करने वाला था कि हमारी ट्रेन आ गई। कमाल की बात, पता है हमारी ट्रेन में कोई भी नहीं था मेरे सिवा, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी झपकी ले ली जाए। लेकिन फिर ट्रेन साफ करने वाले भैया ने मुझे उठा दिया कि यहाँ से साइड हटो, मुझे सफाई करनी है। फिर नई दिल्ली का बाय बाय करके हम चल पड़े अपने मथुरा की ओर। मथुरा पहुँचने के बाद जो हमें सुकून मिला, वो शायद शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। चाहे मथुरा में भीड़ हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय थी कि ये ट्रिप हमारी बोरिंग तो नहीं जाने वाली। मथुरा रेलवे स्टेशन और ट्रेन को बाय बाय करके हम सीधा आ गए ऑटो की तरफ। असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि हमारे पास बुकिंग नहीं थी और यहाँ पर सब लगे हुए रूम ढूंढने में। फाइनली गाइस, बड़ी मेहनत के बाद हमें रूम मिला और अब हमें लग रही है बहुत तेज भूख। देख रहे हो टोरा, तो अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। हमें नहीं पता यहाँ क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, बस हम जा रहे हैं कि कुछ तो मिलेगा। अब देखते हैं क्या मिलेगा, फिर मैं दिखाता हूँ क्या मिलता है। अग्रवाल भोजनालय पहुँचने के बाद हमें मिली है लस्सी बिना भाग वाली, जिसको पीने के बाद मैं भूल गया कि मुझे ब्लॉग भी करने हैं। हम निकल गए अपने रूम से, हमें निकलना था 4:30 बजे और खाना खाते हम जो सोए ना, उसके बाद सीधी नींद खुली हमारी 5 बजे और अब हम निकल रहे हैं 6:30 बजे। हमारी सारी आरती छूट चुकी है, वहाँ जाके बस हमें मिलेगी तो भीड़। ये रहा मेरा बैग, ये रहा मैं, ये मेरी सेना। अब देखते हैं क्या होगा हमारा वहाँ पहुँच कर। पहले तो ऑटो लेते हैं बस स्टैंड से, बाय बाय। ऑटो में चाहे जितने भी झटके लग रहे हो, लेकिन मन में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, राधे राधे की। कुछ समय ऐसे ही ऑटो में बिताने के बाद हम सीधा आ पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन पहुंचते ही इनके दर्शन ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो सुबह सुबह बिना कुछ खाए हम सीधा आ पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। हम इस्कॉन टेम्पल इतनी जल्दी आ गए कि वहाँ पे हमें भीड़ का नामो निशान नहीं मिला और हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए वहाँ। अब इस्कॉन टेम्पल के बगल में हमें दिखा गोविंदा, जहाँ हम कुछ खाने पीने आ गए, लेकिन मुझे तो सिर्फ बनाना शेक पीना था, जिसको पीने के बाद मेरा पेट तो भर गया। उसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल से बाहर आ गए। इस्कॉन टेम्पल से निकलते कुछ दूरी पे हमें दिखा गोले वाला, यहाँ पर हमने ठंडा गोला बनवाया तो मेरे लिए था, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सिप ले पाया, उसके बाद इन्हें खाने को मिल गया वो। गाइस, हम ऑरेंज ऑरेंज होटल लेके चल चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए। हम इस्कॉन से हवाए प्रेम मंदिर रात को जाएंगे, अब जा रहे हैं बांके बिहारी, उसके बाद निकलना है हमें बरसाना। जल्दी जल्दी जाते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है, कम से कम भी 1-1.5 घंटा हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके कहीं हमारे दर्शन होंगे, रंग भी सकते हैं हम वहाँ खुद को। के बिहारी मंदिर पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि हाँ, सच में इतनी भीड़ है वृंदावन में, राधे राधे, राधे राधे। और यहाँ तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, अगर पीछे वाले चलेंगे तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और हमारे यहाँ ना तो पीछे वाले चल रहे थे और ना आगे वाले। बाकी बिहारी मंदिर के अंदर पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल था यहाँ पहुंचकर दर्शन करना। Raja!
लेकिन इस बार हमें यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा क्योंकि हमें पता ही नहीं चला हम कब मंदिर के अंदर घुसे और बाहर आ गए। बांके बिहारी जी के मंदिर से आते ही हम सीधा पहुंचे राधा वल्लभ मंदिर, जहाँ हमने खूब होली खेली और बड़े प्रेम से दर्शन करे। और मैं होली खेलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। अपने रूम में पहुंचकर चेंज करने के बाद हम सीधा निकल पड़े बरसाना के लिए। बरसाना का रास्ता इतना खूबसूरत था तो सोचो बरसाना कैसा होगा। लेकिन हमें बरसाना पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई कि वहाँ अंधेरा हो चुका था और लठमार होली जिसके लिए हम गए थे वो हमें वहाँ देखने को मिली ही नहीं। लठमार होली ना सही, रंगीली गली तो देख ही ली। अब राधा रानी के दर्शन करे बिना हम यहाँ से कैसे जा सकते थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो मंदिर के पट बंद होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। वो कहते हैं ना, राधा रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता यहाँ। जो बरसाना से कमेंट में बताओ ये क्या है। भाइयों और मेरी बहनों, हम पहुंच चुके हैं वापस से स्कूल। तो अगली सुबह हम सीधा निकल पड़े निधिवन के लिए। फाइनली 2 दिन बाद हमें वो रंग दिखे जो हमें इंस्टा रील्स में दिखाए जा रहे थे। तो ऐसे ही निधिवन में बंदरों से बचते बचाते हम आगे जहाँ हमें होली के कुछ और रंग दिखाई दिए और ये रंग बिल्कुल वैसे थे जो रील्स में दिखाए जाते हैं। लेकिन निधिवन में हमने ये क्या देखा, एक बंदर को परेशान करने पर बंदर का गुस्सा। निधिवन से बाहर आकर हम सीधा आ गए यमुना घाट, जहाँ हमने कुछ देर करी बोटिंग। बीच में से तो नजारे ही अलग दिखाई देते हैं। अब जो बांके बिहारी जी के दर्शन अधूरे रह गए थे वो पूरे भी तो करने हैं, तो बस वही दर्शन पूरे करने हम वापस आ जाते हैं बांके बिहारी। और अब शुरू होता है हमारा वृंदावन में आखिरी दिन। हमारे स्टेशन से बाहर निकलते हमें यहाँ दिखती है इतनी ज्यादा भीड़, जैसे तैसे बचते बचाते हम यहाँ से क्रॉस तो हो जाते हैं। फिर हमें मिलती है वृंदावन की स्पेशल मैगी। This trip comes to an end. हम घर जा रहे हैं वापस अपने। So finally guys, हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म होती है क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ न्यू दिल्ली, लेकिन इनकी ख़त्म होती है, मेरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मुझे जाना है मेरे घर 3-4 घंटे और बस में। इस ब्लॉग को कहते हैं एंड। बाय। अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ख़त्म।